भी आपके पैर में दर्द या पैर में मोच आना, एड़ी में दर्द, टखनों में दर्द की समस्या हो तो आप इन अभ्यासों को कम से कम 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। दोस्तों जब भी पैर में मोच आए तो सबसे पहले आप बर्फ की सिकाई करें, इससे हमारी मांसपेशियों को राहत मिलती है। और उसके बाद इन अभ्यासों को कीजिए। सबसे पहले आप ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए आपने बैठ जाते हैं और सबसे पहले सांस अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें और 5 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ करते हैं, सांस अंदर भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। अभ्यास हमारे पैरों में दर्द और मोच आने पर जो दर्द होता है उससे राहत प्रदान करता है। फिर इसके बाद ऐसे अपने पंजों को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे अपने घुटनों को 4 से 5 बार अप डाउन करते हैं। इसके बाद आप इन स्ट्रेचिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं, ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पंजों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को आगे की तरफ करते हैं, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। और इसके बाद हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना। दोस्तों पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास को करने से हमारी मांसपेशियों में तनाव, दर्द, जोड़ों का दर्द जैसी समस्या दूर होती है। आपने ऐसे ही बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे आपने राइट साइड ऐसे मुड़ जाना है और ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। और फिर इसके बाद सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपने धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाए और अपने दोनों हाथों को जितना ऊपर को उठा सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। अगर आप इतना आगे को ऐसे झुक कर इतना नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इतना ही प्रैक्टिस करें। नियमित प्रैक्टिस करने से आप ऐसे इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकिए, जितना आप झुक पा रहे हैं उतना ही झुकिए। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे पंजों को आगे की तरफ तानते हुए रखना है, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों साइड से 3 से 4 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को फिर फैलाकर ऐसे ही बैठ जाते हैं। दोस्तों यह स्ट्रेचिंग के बहुत अच्छे अभ्यास हैं और इन अभ्यासों को करने से जिन लोगों को अक्सर पैरों में दर्द, जांघों में, पिंडलियों में, घुटनों में दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत रहती है कि समस्या दूर होती है। आपने ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों तलवों के नीचे से ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो,
ऐसे अपने घुटने को, ऐसे अपने नाक के जितने समीप आप ला सकते हैं नाक के समीप लाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक रुकें और फिर नीचे ऐसे ही दूसरी साइड से।